Hello students, I'm Sonika Rumba and today I'm here to teach you Some people never die. So, some people never die of class 4 and our subject is SST. So today we will do part 1 of this topic. Okay? Things are like this. Where it contains class hai great possibilities of Amartya Sen, APJ Abdul Kalam, Sonal Mansingh. ठीक है, ये रहा कंटेंट. वंस अगेन आई विल रिपीट दिस वन. ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, मदर टेरेसा, अमर्त्या सेन, एपीजे अब्दुल कलाम एंड सोनाल मानसिंह. तो ये जो सम पीपल नेवर डाई जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें हम बात करते हैं कि जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज जो है ना, वो इंडिया के लिए बहुत कुछ करके चली गए हैं कि वो हम उन लोग को भूल के भी नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा किया है सोसाइटी के लिए, एक हमारे इंडिया के लिए, है ना. तो ये जो इंसान है जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है ना, जिसे हम भूलने के लिए चाहे तो फिर भी नहीं भुला पाएंगे. तो ये कौन कौन है, उसके बारे में आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. तो ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया. तो इंडिया जो है, इंडिया क्या है, इंडिया इज अ होमलैंड ऑफ मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज. सो इंडिया में बहुत महान महान इंसान है. इंडिया में इट इज होमलैंड ऑफ मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज. और ये जो पर्सनैलिटीज है, ये जो महान इंसान जो है हमारे देश के, है ना, वो जो देश के अच्छे के लिए करता है, तो ये जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, दे बिलोंग टू द फील्ड ऑफ साइंस में हो या आर्ट्स में हो या फिर सोशल सर्विसेज या इकोनॉमी पॉलिटिक्स, जो भी है, जो हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है वो सब यही फील्ड में, यानी कि साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, जो भी है, इसी ही फील्ड में बिलोंग करता है ना. एंड दे हैव मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द रेस्पेक्टिव फील्ड इन विच दे एक्सेल. तो ये जो भी फील्ड है, जैसे कि साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, ये जो डिफरेंट फील्ड है ना, और ये जो हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उन्होंने आपके खुद के फील्ड में, जैसे कि कोई आर्ट्स है, कोई साइंस, कोई सोशल सर्विस है ना, ये जो खुद के फील्ड में उन्होंने बहुत एक्सेल किया है, बहुत श्रेष्ठ हुआ है अपने अपने फील्ड में. Although they have faced many difficulties in their lives, और जो great personalities है वो लोग भी हम जैसे ही थे, life में बहुत परेशानी face करते हैं, है ना, और उन्होंने भी बहुत परेशानी face किया था, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना. ठीक है, उन्होंने कभी हार नहीं माना. दो उन लोग ने अपने लाइफ में बहुत परेशानी फेस किया, पर उन्होंने हार कभी नहीं माना. और बाद में जाके क्या हुआ, दे अचीव सक्सेस, है ना, और उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने सक्सेस हासिल किया. एंड ग्लोरी बाय डीड ऑफ देयर कॉरेज. तो उन्होंने जो कॉरेज है उन लोग का, है ना, कॉरेज की वजह से ही उन्होंने क्या किया, सक्सेस हासिल किया. अपना विल पावर एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि अडिग रहना, है ना, एंड वर्च्यूज, यानी कि गुण, इनके वजह से ही उन्होंने क्या किया, सक्सेस हासिल किया. तो ये रहा ग्रेट पर्सनैलिटीज. तो हम जब ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं आता है, वो डिफरेंट फील्ड में आता है ना, जैसे कि साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये जो भी फील्ड है सब फील्ड में आता है. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मदर टेरेसा. तो सी इज मदर टेरेसा. के पहले हम बात करते हैं मदर टेरेसा. सी इज मदर टेरेसा. तो मदर टेरेसा जो है, सी वॉज बॉर्न एज स्कोपजी इन अल्बानिया ऑन ऑगस्ट 26, 1910 टू कैथलिक
पेरेंट्स. तो मदर टेरेसा वॉज बॉर्न एट स्कोपजी इन अल्बानिया ऑन अगस्त 26, 1910 टू कैथलिक पेरेंट्स. तो वो कैथलिक पेरेंट्स के घर में उसका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में, है ना. एंड सी वॉज बैप्टाइज एज एग्नेस गोंजा बोजास्क्यू. तो सी वॉज बैप्टाइज एज एग्नेस गोंजा बोजास्क्यू, है ना. और एंड हर पेरेंट एंड हर फादर वॉज तो सी वॉज बैप्टाइज एज एग्नेस गोंजा बोजास्क्यू, है ना. और उनका जो फादर है ना, फादर ऑफ मदर टेरेसा, ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर. तो वो क्या था, एक एंटरप्रेन्योर था. एंड हर मदर वॉज अ पायस वूमन, और वो एक धार्मिक वुमन था उनका मदर. तो मदर टेरेसा का फादर वॉज एन एंटरप्रेन्योर, है ना. और एंड हर मदर वॉज ए पायस वुमन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन लोकल चर्च एक्टिविटीज. यानी कि मदर टेरेसा का जो मदर है ना, वो एक पायस लेडीज थे. इसी वजह से ही उन्होंने जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी फंक्शन होता था है ना लोकल चर्च में, उन सब में वो भाग लेते थे. एंड मदर टेरेसा स्प्रेड सिंपैथी. और मदर टेरेसा ने क्या स्प्रेड किया, सी स्प्रेड सिंपैथी, अफेक्शन एंड कंपैशन अमंग द पुअर एंड नीडी. तो उन्होंने सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, है ना, और अफेक्शन यानी कि लगाव जो है, कंपैशन यानी कि दया दिखाना, है ना, ये सब उन्होंने, मदर टेरेसा ने गरीब और जो निडी होते हैं उन सबको स्प्रेड किया मदर टेरेसा ने. एंड सी एस्टैब्लिश मेनी ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि जो भी नीडी एंड पुअर वंस से है ना, उन सब लोग को हेल्प मिल सके. तो इसी वजह से ही मदर टेरेसा ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, है ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया. तो ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो रहा, से एस्टैब्लिश मेनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तंजानिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला एक्सेट्रा. तो ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मदर टेरेसा ने बनाया था, है ना, वो रहा वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं उन्होंने तंजानिया में भी बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बनाया, ऑस्ट्रिया एंड वेनेजुएला में भी उन्होंने बनाया. तो ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उन्होंने बनाया ओपन एयर स्कूल जहाँ पर सब लोग पढ़ सके, है ना, कोई भी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कोई पढ़ना चाहता है पर फिर भी पैसे ना होने की वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं. तो इसीलिए मदर टेरेसा ने ओपन एयर स्कूल बनाया, है ना, एंड हॉस्पिसेस भी बनाया. और हॉस्पिसेस यानी कि जो भी पिलग्रिमेज होता है ना, वो जो रिलीजियस वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, है ना, और वो थके होते हैं क्योंकि पैदल चलना पड़ता है पहले तो, है ना, तो जो थके हुए होते हैं उनके लिए एक आश्रम बनाया उन्होंने, है ना. एंड मोबाइल क्लिनिक्स भी बनाया उन्होंने, क्लिनिक्स भी बनाए यानी कि जो बीमार पड़ते थे उन सबको देखने के लिए, है ना, कुष्ठ रोग जो होते हैं, है ना, उसके लिए बनाया. एंड एड्स पेशेंट, है ना, और एड्स पेशेंट के लिए भी बनाया क्योंकि जो एड्स होता है यानी कि बहुत जानलेवा बीमारी होते हैं, है ना, तो ये जो एड्स पेशेंट है उन लोग को ये भी बनाया. एंड होम फॉर द ऑर्फन्स, यानी कि जो ऑर्फन्स होता है जिसके माँ बाप कोई भी नहीं होता है, ऑर्फन्स है ना, और जो बेसहारा होता है, डेस्टिट्यूट हुए डेस्टिट्यूट, और ये जो एल्डरली वुमेन्स यानी कि हमारे सोसाइटी में बुजुर्ग जो होते हैं उसका घर नहीं होता है ना, उसको ख्याल रखने के लिए, खाना देने के लिए कोई नहीं होता है, तो उनको लिए, उनके लिए भी मदर टेरेसा ने घर बनाया. एंड होमलेस नॉट ओनली इन इंडिया, और होमलेस यानी कि जिसके पास घर नहीं है, ये सब मदर टेरेसा ने बनाया. और इंडिया में ही नहीं, उन्होंने कहाँ कहाँ बनाया, तंजानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया एंड वेनेजुएला में उन्होंने बनाया, है ना. और उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उन्हें इन दिस वे मदर टेरेसा मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी. तो मानवता के लिए मदर टेरेसा ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने घर बनाया फॉर एवरीवन, है ना. वो मदर टेरेसा जो है वो खुद के लिए नहीं सोचते थे, जो नीडी एंड पुअर पीपल्स है ना, जिसे हेल्प चाहिए उनके लिए बहुत सोचते थे मदर टेरेसा. और इसी तरह से उन्हें मानवता के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. और सी वॉज हेल्प बाय मेनी वॉलेंटियर्स, और
जो मदर टेरेसा जी है सी वॉज हेल्प बाय मेनी वॉलेंटियर्स ने उसे हेल्प किया एंड फिलैंथ्रोपिस्ट ने भी उसे हेल्प किया। ठीक है, आज फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि जनहितासी है ना, उन सभी लोग ने उन्हें हेल्प किया फॉर हर नोबल मिशन, यानी कि जो जो नीडी वन से है ना, उन सब लोग को हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स एंड फिलैंथ्रोपिस्ट ने भी मदर टेरेसा को हेल्प किया एंड सी वॉन मच अक्लेम एंड ऑनर वर्ल्ड वाइड फॉर हर मर्सीफुल एंड जेनरस डीड। तो इसकी वजह से ही मदर टेरेसा ने जो देश भर में है ना, वर्ल्ड वाइड उन्होंने वाहवाही हासिल किया, क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा काम किया था फॉर द पुअर एंड नीडी वंस है ना, उसी लिए उन्होंने बहुत प्रशंसा हासिल किया और बहुत ऑनर भी हासिल किया, और यानी कि उन्होंने किसी और को जो भी जहाँ पर रहते थे वो सब मदर टेरेसा को बहुत ऑनर करते थे, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा काम किया है ना फॉर दी पुअर एंड द नीडी वंस। इसकी वजह से ही वो जहाँ पर भी जाते थे सब लोग उससे बहुत इज्जत या सम्मान करते थे मदर टेरेसा को, और इसी वजह से ही मदर टेरेसा ने इतना नोबल काम किया है ना फॉर द पुअर एंड नीडी वंस, और इसीलिए शी वॉज अवार्डेड भारत रत्न। तो उन्हें भारत रत्न भी अवार्ड किया था, रामोन मार्क्सेस अवार्ड, पॉप जोन पीस प्राइज। तो ये सब जो ये रहा ग्रेट अवार्ड से है ना, ये सबसे मदर टेरेसा जी है उनको सम्मानित किया था फॉर हर सेल्फलेस डिवोशन टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। तो ये क्यों किया था, क्यों सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने जो पॉवर्टी है ना उन सबके लिए वो दूर हटाने के लिए उन्होंने अपने होल लाइफ टाइम उन्होंने काम किया, खुद के लिए काम नहीं किया बट जो पुअर एंड नीडी वंस है उनके लिए उन्होंने फॉर द होल लाइफ टाइम उन्हें अपने जीवन भर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही वर्क फॉर द पुअर एंड नीडी वंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। पर क्या हुआ बाद में जाके 1918 में मदर टेरेसा का हेल्थ कुछ अच्छा नहीं रहा, 1980s में उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहा है ना, और धीरे धीरे उसका जो हेल्थ है वो खराब होते चला गया मदर टेरेसा का, और बाद में जाके क्या हुआ सी डाइड ऑन September 5, 1997। तो बाद में जाके September 5, 1997 में उसका देहांत हो गया मदर टेरेसा का है ना, एंड सी स्पेंड हर एंटायर लाइफ सर्विंग द पुअर। तो उन्होंने अपना जो होल लाइफ है पुअर्स जो है वो जो बेसहारा है जिसके पास घर नहीं है ना, जो जरूरतमंद चीज़ है वो सब पुअर पीपल को देने के लिए इसी प्रकार से उन्हें अपना होल लाइफ उन्हें इस तरह से स्पेंड किया एंड फॉर इमेंस कॉरेज यानी कि समाज के लिए जब नीडी एंड पुअर पीपल्स है जो होल देश भर में है ना, उन सब के लिए हेल्प करने का एक करेज चाहिए, तो फॉर हर इमेंस करेज है ना, और एक कमिटमेंट भी होना चाहिए मैं यही करूँगी है ना, कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक काम करते हो और कल को बहुत आलस आ गया तो नहीं मैं नहीं करूँगी है ना, ऐसा होता है, पर एक कमिटमेंट होना चाहिए एक इतना बड़ा काम करने के लिए। तो उनके ये जो करेज एंड कमिटमेंट है, जो ब्यूटीफुल डीड्स है, जो अच्छा काम है ना, इसकी वजह से ही सी वॉज ब्यूटिफाइड यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड इन 2003। तो सी वॉज ब्यूटिफाइड। ब्यूटिफाइड यानी कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड, यानी कि सी वॉज ब्यूटिफाइड इन BEATIFIED beatified in 2003 by Pope John Paul II। तो पोप जॉन पॉल सेकंड ने उन्हें 2003 में beatified किया, यानी कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड से उन्हें beatified किया एंड सी वॉज कैनोनाइज्ड ऑन 4 September 2016 एट सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी बाय पोप फ्रांसिस। तो सी वॉज कैनोनाइज यानी कि टू डिक्लेयर एज अ सेंट, कैनोनाइज का मतलब है सेंट डिक्लेयर करना। ठीक है, तो ममता में तो जब ये जो
मदर टेरेसा है उसे कब डिक्लेयर किया एज अ सेंट. शी वॉज कैनाइज ऑन 4th September 2016 एट St. Peter's Square, Vatican City by Pope Francis. So, this is the work of the Mother Teresa in her whole lifetime. तो इससे पता चलता है कि मदर टेरेसा ने हम सब जो नीडी एंड पुअर पीपल है उन सब के लिए इस तरीके से अपना लाइफ स्पेंड किया था. ठीक है. सो आफ्टर मदर टेरेसा वी विल टॉक अबाउट द सो अब हम बात करेंगे अमर्त्या सेन के बारे में. ही इज अमर्त्या सेन. ठीक है. तो ये रहा अमर्त्या सेन. तो अमर्त्या सेन जो है वो नोबेल लॉरेट. अमर्त्या सेन इज इंटरनेशनल अक्लेम इकोनॉमिस्ट. तो वो एक इकोनॉमिक्स थे. हु इज ही. अमर्त्या सेन इज इकोनॉमिस्ट. अमर्त्या सेन एक इकोनॉमिस्ट है ना, हु वर्क फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. तो ओवरऑल डेवलपमेंट पीपल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है अमर्त्या सेन. एंड जब हम उसके बारे में बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ही वॉज बॉर्न एट शांति. तो ही वॉज बॉर्न एट शांति निकेतन. ठीक है. द स्पेलिंग इज रॉन्ग. एक्चुअली द स्पेलिंग इज एस एच ए एन टी आर ए एन. सो अमर्त्या शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है ऑन November 3rd, 1933. तो वो कहाँ पर उसका जन्म हुआ था शांति निकेतन में, और शांति निकेतन जो है वो वेस्ट बंगाल में है और November 3rd, 1933 में उसका जन्म हुआ था. टू प्रोफेसर आशुतोष सेन एंड अमिता सेन. तो उनका जो फादर एंड मदर है अमर्त्या सेन का है ना, वो भी एक प्रोफेसर थे. एंड द नेम ऑफ हिज फादर इज आशुतोष सेन एंड द नेम ऑफ हिज मदर इज अमिता सेन. ओके. ये रहा. एंड ही मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने ये जो फील्ड है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने इसमें बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है ना. एंड ही वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीडम्स. तो एक थे वो. ठीक है. तो ही वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो जब हम ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बात करते हैं, तो अमर्त्या सेन वहां पर एक पायनियर थे. ठीक है. एंड ही एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलपमेंट एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट. उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत एम्फसाइज किया है ना, बाय किस तरीके से, बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल है ना. हेल्थ और वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए इंक्लूडिंग फूड क्लोथिंग, जो भी खाते हैं, जो भी क्लोथ लगाते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन. यानी कि मेडिकल केयर एंड कंपल्सरी एंड एलिमेंटरी एजुकेशन तो होना चाहिए है ना, इन ऑर्डर टू एंड पॉवर्टी डिप्रिवेशन एंड स्टारवेशन. तो पॉवर्टी जो है ना, जो स्टारवेशन जो है वो हटाने के लिए उन्होंने ही एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट. इसी इस चीज़ को नज़र रखते हुए उन्होंने डेवलपमेंट में एम्फसाइज किया. एंड ही बुक टाइटल हिज बुक. तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था डेवलपमेंट एज फ्रीडम. तो इसी बुक जब उन्होंने लिखा था, इसी बुक में उन्होंने ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1998. तो उन्होंने इसी बुक के द्वारा उन्होंने 1998 में अमर्त्या सेन ने नोबेल प्राइज उन्हें जीता था. नोबेल प्राइज, ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1998. सो दिस इज आवर अमर्त्या सेन है ना. सो ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. अमर्त्या सेन कौन थे, ही वॉज इकोनॉमिस्ट. तो अब हम बात करते हैं ए पी जे अब्दुल कलाम जी का. ठीक है. ए पी जे अब्दुल कलाम. सो ही इज ए पी जे अब्दुल कलाम.
ठीक है। एंड APJ अब्दुल कलाम हम बोलते हैं है ना, पर APJ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये जो APJ अब्दुल कलाम जी है उनका APJ का भी फुल फॉर्म है, और ये रहा अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम। सो हिज फुल नेम, द फुल नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम इज डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम। और हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जो है, ही बिकेम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो APJ अब्दुल कलाम जी है वो 11th प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, है ना। एंड जब हम उसके पर्सनल बारे में बात करते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम ही वॉज बॉर्न टू जैनुलद्दीन एंड आसियामा ऑन अक्टूबर 15, 1931। यानी कि उनका फादर का नाम क्या था? जैनुलद्दीन। एंड हिज मदर नेम वॉज आसियामा ऑन अक्टूबर 15, 1931। तो अक्टूबर 15, 1931 में उसका जन्म हुआ था एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो कहाँ पर? रामेश्वरम इन तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। एंड ही केम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिली। और APJ अब्दुल कलाम जी है वो बहुत अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करता है ना, जिसका जो आमदनी है वो अच्छा नहीं है। इट वॉज वेरी इनसफिशियंट। और जब हम उसके बारे में, उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी का, है ना, ये भी हम लोग को जानने को मिलेगा कि वो पढ़ाई करने के लिए वो न्यूज़पेपर जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन में न्यूज़पेपर बेचते थे, ठीक है, क्योंकि उनका जो सिचुएशन थे वो अच्छा नहीं था, बहुत इनसफिशियंट था, इसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। सो इन हिज चाइल्डहुड ही टुक अप ऑड्स जॉब टू सफिस द फैमिली इनकम। तो उन्होंने जब वो बचपन में ही, उन्होंने अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली इनकम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो भी काम है वो सब काम किया था। एंड ही नेवर वर्क एट द कॉस्ट ऑफ हिज स्टडीज। तो उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया अपनी फैमिली के लिए, है ना, फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, उन्होंने वो पढ़ते गए और वो इसे पढ़ते गए। और बाद में जाके इन 1954 ही ग्रेजुएटेड इन साइंस फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज। तो 1954 में जाके उन्हें ग्रेजुएट किया सेंट जोसेफ कॉलेज से इन त्रिचूर, यानी कि तिरुचिरापल्ली से उन्होंने ग्रेजुएट किया 1954 में साइंस में, ठीक है। एंड ही बिकेम अ फुल फ्लेज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957। सो ही बिकेम फुल फ्लेज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957। तो उन्हें जब कब ग्रेजुएट किया? 1954 में ग्रेजुएट किया था, और बाद में जाके 1957 में ही बिकेम फुल फ्लेज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एंड ही ऑल्सो प्लेड एन इमिनेंट रोल इन डेवलपिंग अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। तो ये जो अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स है ना, ये इसके डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया था APJ अब्दुल कलाम ने। और बाद में जाके APJ अब्दुल कलाम जो है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उन्हें बाद में जाके एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से उन्हें डिनोट करने लगे। ही बिकेम पॉपुलर नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। एंड उसके बाद ही ऑल्सो सक्सेसफुली मेड पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। और उसके बाद ही सक्सेसफुली मेड पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। एंड ही ऑल्सो वॉन मेनी लॉरियल्स इन इंडिया एंड अब्रोड। तो उन्होंने बहुत इंडिया में और अब्रोड में भी बहुत लॉरियल्स जीता था उन्हें, है ना, हासिल किया था। एंड ही वॉज ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड। एंड APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो अवार्ड विथ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। तो उन्होंने उनको भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड से भी सम्मान किया था। एंड बींग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम 48 यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने डॉक्टरेट्स फ्रॉम 48 यूनिवर्सिटीज से उन्होंने हासिल किया था।
एंड ही वॉज वेल नोन एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट और ही इज अपार्ट फ्रॉम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही इज ऑल्सो वेल नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट. तो पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी उन्हें जाना जाता है ना. On not only during his tenure from 202 to 207 है ना, APJ अब्दुल कलाम 202 से लेके 207 तक वो प्रेसिडेंट बने थे और उनको पीपल्स प्रेसिडेंट से भी जाना जाता था. बट नॉट ओनली हिज टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो प्रेसिडेंट के पोस्ट से हट गए उसके बाद भी उनको एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था. And he was a father figure for youth and people still adored him with great reverence. है ना, और वो एक फादर फिगर था जिससे वो बहुत जो भी स्टूडेंट्स से वो सब इन्फ्लुएंस होते थे. APJ अब्दुल कलाम जी को देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते थे है ना, और उन्होंने वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है वहाँ पर जाके उन्होंने उन्होंने मोटिवेट किया है ना. उन्होंने वहाँ पे जाके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके उन्होंने स्पीच दिया है ना अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड द यूथ. और इसी से और इसमें ही क्या हुआ बाद में जाके, ही पास्ड अवे ऑन July 28, 2015. तो वो July 28, 2015 में उनका देहांत हो गया. कैसे देहांत हो गया? वाइल एड्रेसिंग द IMM स्टूडेंट्स एट शिलोंग. तो 28 जुलाई 2015 में जब IMM स्टूडेंट्स है ना, IMM स्टूडेंट्स को वो क्या कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे है ना, स्पीच दे रहे थे, उस वक्त ही उसका देहांत हो गया था APJ अब्दुल कलाम जी का ऑन July 28, 2015. ओके, सो दिस इज आवर पीपल्स हु इज ऑल्सो एज पीपल्स प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम. सो ही वर्क फॉर आवर कंट्री नो. तो उसके बाद हम बात करते हैं सोनाली मानसिंह. तो सी इज सोनाली मानसिंह. ठीक है, तो सोनाली मानसिंह कौन थे, उसका जन्म कहाँ हुआ था? सोनाली मानसिंह वॉज बॉर्न ऑन May 1, 1944 इन मुंबई टू अरविंद एंड पूर्णिमा पाकवासा. ठीक है, तो ये सोनाल मानसिंह है, उनका जन्म 1 May 1944 में मुंबई में हुआ था. एंड ही एंड हर फादर नेम वॉज अरविंद एंड हर मदर नेम वॉज पूर्णिमा पाकभाषा. और उनका जो ग्रैंडफादर है ना, सोनाली मानसिंह का जो ग्रैंडफादर है वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी थे ना. और हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट एन अर्ली एज. तो वो डांस की फील्ड में बहुत महान थे है ना. तो उन्होंने डांस की फील्ड में किसने उनको बूस्ट किया, तो वह है उसका पेरेंट्स ने ही उसे बूस्ट किया डांस के फील्ड में. और उन्होंने क्या क्या सिखाया डांस में, सीलन मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, छाव एंड ओडिसी डांस. तो उन्हें इतना प्रकार का जो डांस है वो डिफरेंट गुरु से है ना, वो जो महान महान गुरु है उससे उन्होंने मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, छाव एंड ओडिसी डांस उन्होंने सीखा. एंड हर डांसिंग करियर ब्लूम विथ हर परफॉर्मेंस ऑन मेनी इंडियन क्लासिक्स. तो उनका जो डांस परफॉर्मेंस है ना, सोनाल मानसिंह का जो डांस परफॉर्मेंस है वो हम वहाँ पे भी देखने को पाएगा हम लोग को, सन्यासी उपगुप्ता, मेघदूतम, कुमारा संभवम एंड द्रौपदी. उनका जो डांस स्किल है हम इस सभी परफॉर्मेंस ये जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि सोनाल मानसिंह किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देता है इन क्लासिक में. उसका नाम है सन्यासी उपगुप्ता, मेघदूतम, कुमारा संभवम एंड द्रौपदी. ठीक है, एंड सी ऑल्सो डिपिक्टेड हर एक्सीलेंस इन कोरियोग्राफिक वर्क. तो उन्हें कोरियोग्राफी किया था है ना, और उसका जो कोरियोग्राफिक वर्क है वो क्या है, आस्था नायिका, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा आत्मायन, मेरा भारत, सबराज. तो उन्होंने कोरियोग्राफी किया, उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उन्हें अपना परफॉर्मेंस दिखाया सन्यासी उपगुप्ता, मेघदूतम, कुमारा संभवम एंड द्रौपदी में. और उन्होंने कोरियोग्राफी किया कहाँ पर किया, आस्था नायिका, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा आत्मायन, मेरा भारत एंड सबराज में उन्होंने कोरियोग्राफी किया था.
एंड ही वॉज कन्फर्ट विद सेवरल अवार्ड, और उनको भी बहुत अवार्ड मिला था, सोनाल मान सिंह को बहुत अवार्ड मिला था है ना, फॉर प्रिजर्विंग रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो क्लासिकल डांस है ये एक हमारे इंडिया का एक कल्चर है ना, वो एक कल्चर है, इसीलिए ये जो कल्चर है और ये जो ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसे प्रिजर्व करने के लिए सोनाल मान सिंह को बहुत अवार्ड भी मिले थे, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड, कालिदास सम्मान एंड मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा। तो इतना ज़्यादा अवार्ड उन्होंने हासिल किया था सोनाल मान सिंह ने, ठीक है। एंड सी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस इन 1977। तो उन्होंने सेंटर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस में फॉर्म किया 1977 में, है ना, और वो आज भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो यंगर जनरेशन आते हैं, उन सभी लोग को वो कल्चरल डांस जो है, ये जो क्लासिकल डांस है वो सब अभी वो टीच करते हैं। कहाँ पर? सेंटर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। तो उन्हें कब फॉर्म किया था? 1977। सो दिस इज अ वर्क ऑफ सोनाल मान सिंह इन द फील्ड ऑफ प्रिजर्विंग द रिच कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा आज का कंटेंट्स कुछ इस तरह से थे, ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया ये भी हमने किया, मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा के बारे में भी हमने किया, एंड सी वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पुअर एंड नीडी वंस फॉर हर होल लाइफ टाइम, एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द अमर्त्या सेन, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट है ना, और इंडिया के जो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, एंड आफ्टर दैट एपीजे अब्दुल कलाम हु इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर दैट विद सोनाल मान सिंह हु वर्क फॉर प्रिजर्विंग द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ओके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज सम पीपल नेवर डाई, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स मैच कॉलम एंड ऑल, ओके। सो दिस वॉज फॉर टूडे इन दिस क्लास। So, thank you, students.